हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे राउंड का किया आगाज, एम्स में लगवाया कोवैक्सीन का पहला डोज। पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की, कहा वैक्सीन लगवाएं और भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, प्रधानमंत्री आधे घंटे रुके, वैक्सीन लेने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई। भारत बायोटेक ने पीएम की पहल का किया स्वागत, ट्वीट कर कहा यह आत्मनिर्भर भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है। रविशंकर प्रसाद का विपक्ष पर हमला, कहा बीजेपी की वैक्सीन कहने वाले लोग गिरेबान में झांके, पूरी दुनिया मेड इन इंडिया वैक्सीन लगवा रही है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चेन्नई में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। गृहमंत्री अमित शाह ने भी कोरोना का पहला डोज लिया, डॉक्टर नरेश त्रेहान के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने लगाया पहला डोज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कोरोना का टीका लगवाया, कहा वैक्सीन लगाने के बाद खुद को सुरक्षित महसूस किया। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र ने भी लगाया पहला टीका, 28 दिन बाद लेंगे दूसरा डोज। बिहार में आज से विधायकों मंत्रियों का वैक्सीनेशन शुरू, सीएम नीतीश कुमार ने अपने 70वें जन्मदिन पर कोरोना का टीका लगवाया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लिया वैक्सीन का पहला डोज, राज्य में टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत। एनसीपी चीफ शरद पवार ने लगवाया कोरोना का टीका, मुंबई के जेजे अस्पताल में ली वैक्सीन। बेंगलुरु से आई अच्छी तस्वीर, 97 साल के बुजुर्ग ने वैक्सीन का पहला शॉट लिया। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का फेज 2 बुकिंग कराने वाले दर्जनों लोगों ने टीके लगवाए। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे बुजुर्ग किसान नेताओं का फैसला, कहा कोरोना का डर नहीं लगवाएंगे टीके। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 3 तरह से करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन, cowin.gov.in पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप से ऑनलाइन पंजीकरण कराने का ऑप्शन। वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, कोविन ऐप का इस्तेमाल सिर्फ वैक्सीनेशन स्टाफ कर सकेगा। वैक्सीनेशन को लेकर देश में जबरदस्त उत्साह, दोपहर 1 बजे तक 10 लाख लोगों ने कोविन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराया। देश में एक दिन में फिर कोरोना के 15,510 नए पॉजिटिव केस, 24 घंटे में 106 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र केरल समेत 6 राज्यों में कोरोना केस में बढ़ोतरी दर्ज, 24 घंटे में 87% नए केसेस इन्हीं 6 राज्यों से आए। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,397 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 30 मरीजों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना से रिकवरी रेट करीब 94%, अब तक 20 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। केरल में कोरोना के 1,938 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना के 87 नए पॉजिटिव केस, 24 घंटे में 104 मरीज कोरोना से रिकवर। 28 फरवरी को देश में 3,13,000 से ज्यादा लोगों ने भरी उड़ान, 25 मई 2020 के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा। दुनिया में कोरोना के 11,27,00,000 से ज्यादा केसेस, मौत का आंकड़ा 25.5 लाख के करीब। वैक्सीनेशन अभियान के बीच WHO का बयान, कहा दुनिया में 10% से कम लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो पाई है। नेपाल के आर्मी चीफ पूर्ण चंद्र थापा ने लगवाया टीका, भारत से भेजी गई वैक्सीन का पहला डोज लिया। ब्रिटेन में कोरोना का खतरा बढ़ा, ब्राजील वेरिएंट वाले 6 और मरीज मिले। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना को लेकर अलर्ट लेवल कम किया गया, कई तरह की रिस्ट्रिक्शन हटाई गई। टीएमसी नेता फिराद हाकिम पर आचार संहिता तोड़ने का आरोप, बीजेपी ने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर कार्रवाई की अपील की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया टीएमसी का समर्थन, नवन्ना में सीएम ममता बनर्जी से मिले तेजस्वी। तेजस्वी से मिलने के बाद बोली ममता बनर्जी, चुनाव आयोग का कंट्रोल बीजेपी के हाथों में नहीं चाहती। ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी को बंगाल में कुछ नहीं मिलने वाला, बिहार में भी नहीं टिकेगी सरकार। तेजस्वी ने ममता को जिताने की बात कही, बोले बीजेपी ने देश के लोगों को ठगने का काम किया है। बंगाल चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और लेफ्ट का महामंथन, कोलकाता में की बैठक। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान, कहा आरजेडी की ममता के साथ चल रही है बात, हमारा लेना देना नहीं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन पर उठाए सवाल, पार्टी की विचारधारा के बताया खिलाफ। बंगाल चुनाव की रणनीति पर ओवैसी ने साधी चुप्पी, बोले सही समय आने पर दूंगा जवाब। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले बंगाल में उत्तर कोरिया के किम जोंग जैसा तंत्र चल रहा है। बंगाली एक्ट्रेस श्रावंती चटर्जी ने बीजेपी का दामन थामा, कोलकाता में पार्टी में हुई शामिल। शारदा घोटाले में टीएमसी नेता कुणाल घोष को ईडी का नोटिस, 2 मार्च से पहले पेशी का आदेश। बंगाल में बुजुर्ग महिला की पिटाई के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया, डीजीपी को कड़े कदम उठाने के लिए कहा। कार्यकर्ता और उसकी मां की बेरहमी से पिटाई पर भड़की बीजेपी, पूरे शहर में बुजुर्ग महिला की लगाई तस्वीरें। टीएमसी से पूछा क्या ये बंगाल की बेटी नहीं, बीजेपी के आरोपों को टीएमसी ने झूठा करार दिया। डेरेक ओब्रायन ने कहा ममता के सुशासन के मुकाबले के लिए बीजेपी के पास कुछ नहीं। बीजेपी का ममता सरकार पर बड़ा आरोप, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, कहा बंगाल में पोस्टल बैलेट के जरिए प्रॉक्सी वोट की कवायद। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी में किया रोड शो, राहुल को देखने के लिए समर्थकों की भीड़। कन्याकुमारी में राहुल का पीएम पर निशाना, कहा पीएम मोदी के मन में तमिल लोगों के लिए सम्मान नहीं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और सीएम पलनीसामी पर बोला हमला, कहा मुख्यमंत्री भ्रष्ट है और मोदी के पास सीबीआई और ईडी है। कन्याकुमारी में राहुल का दिखा अनोखा अंदाज, एक खिलाड़ी के साथ पुशअप्स किए, एक हाथ से भी पुशअप करते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अटैक, बोले चुनाव सत्ता और वोट के लिए देश को बांट दिया।
मिशन असम पर प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर में स्थानीय लोगों संग संग किया ट्राइबल डांस। असम में प्रियंका ने सीए का मुद्दा उठाया, कहा बीजेपी के पास असम में सीए के बारे में बात करने की साहस नहीं। असम के गोहपुर में प्रियंका ने महंगाई और रोजगार का मुद्दा उठाया, कहा 25 लाख तो दूर 1 लाख लोगों को भी नहीं मिला रोजगार। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई, पृथ्वीराज चव्हाण को बनाया गया अध्यक्ष। पुडुचेरी के पूर्व सीएम नारायण सामी का गृहमंत्री पर पलटवार, कहा केंद्रीय फंड गांधी परिवार को देने का आरोप साबित करें, नहीं तो करूंगा मानहानि का केस। डीएमके अध्यक्ष स्टालिन का दावा, तमिलनाडु के लोगों को है सरकार में बदलाव का बेसब्री से इंतजार। तमिलनाडु में चुनाव लड़ेंगी ओवैसी की पार्टी, कहा गुजरात राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी पार्टी कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर के मुख्य सलाहकार बने प्रशांत किशोर, सीएम ने ट्वीट करके दी जानकारी। चुनाव वाले 5 प्रदेशों में सीआरपीएफ की टीमें रवाना, मतदान से पहले सुरक्षा को लेकर तैयारियां शुरू की गई। किसान आंदोलन के बीच बोले पीएम मोदी, बोले फसलों को बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं किसान, देश में फूड प्रोसेसिंग क्रांति की जरूरत थी। किसान आंदोलन पर चुप्पी को लेकर राकेश टिकैत ने साधा निशाना, कहा केंद्र किसानों के खिलाफ कोई कदम उठाने की योजना बना रहा है। 7 मार्च को मेरठ में किसानों की बड़ी पंचायत, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा किसानों को गुमराह करने से अगले लोकसभा चुनाव में और कम सीटें आएंगी। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल। 1 अप्रैल से 28 फरवरी 2021 तक भारतीय रेलवे ने 110 करोड़ टन माल ढोया, रेल मंत्री पीयूष गोयल बोले इकॉनमी तेजी से बढ़ रही है। व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया अतिरिक्त समय, 19 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। चिराग कॉर्प्स के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल सामान्य, पथराव जैसी घटनाओं में भारी कमी। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू बोले आर्मी और प्रशासन लोगों तक पहुंच रहे हैं, विश्वास बनाने से ही आतंकी संगठनों में भर्ती कम होगी। भारतीय नौसेना को मिली 3rd स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, 10 मार्च को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल होगी आईएनएस करज। पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई में हुए ब्लैकआउट पर कमेटी ने महाराष्ट्र सरकार को सौंपी रिपोर्ट। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैकआउट के पीछे चीन का हो सकता है हाथ, रिपोर्ट में साइबर अटैक का जताया गया है शक। उत्तराखंड के गैरसैंण में सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों पर बरसाई लाठियां। पटना में कई मुद्दों को लेकर लेफ्ट का प्रदर्शन, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने ठाकरे सरकार से सीए और एनआरसी के खिलाफ असेंबली में प्रस्ताव लाने की मांग की। अबू आजमी ने महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार से 5% मुस्लिम रिजर्वेशन भी मांगा, कहा पूरा न होने पर सड़कों पर उतरेंगे। मध्यप्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 सदन में पेश किया गया, राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रखा विधेयक। यूपीएटीएस ने मानव तस्करी करने वाले 2 रोहिंग्या शरणार्थियों को गिरफ्तार किया, बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध तरीके से दिलाते थे एंट्री। दोनों गिरफ्तार आरोपी म्यांमार के बताए गए, देश विरोधी गतिविधि भी करता था गिरोह। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 1 साल की जेल, भ्रष्टाचार मामले में पाए गए दोषी। 2024 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की ओर किया इशारा, व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद पहली बार पब्लिक स्पीच दी। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लाइमेट का भी मुद्दा उठाया, कहा भारत चीन और रूस में ज्यादा प्रदूषण। ईरान को लेकर इसराइल के पीएम का बड़ा आरोप, कहा ओमान की खाड़ी में पिछले हफ्ते इसराइल के जहाज पर हमला किया था। तेहरान ने नेतन्याहू को दिया जवाब, हमले के सभी आरोपों को खारिज किया। यौन शोषण केस में फंसे न्यूयॉर्क के गवर्नर, दफ्तर में काम करने वाली एक और महिला ने लगाया आरोप। 18 प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद भी म्यांमार में नहीं थमा संग्राम, पुलिस से झड़प, वाटर कैनन का इस्तेमाल। भूमध्य सागर में 363 शरणार्थियों को रेस्क्यू किया गया, छोटी नावों पर सवार होकर यूरोप भाग रहे थे सभी शरणार्थी। इंग्लैंड में दूसरे विश्व युद्ध के समय का बम सेना ने किया डिफ्यूज, ताकतवर धमाके की वजह से कई घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ने संभाली कमान, नाइजीरिया की मंत्री रह चुकी हैं। चीन में बोइंग 737 मैक्स के विमान को नहीं मिलेगी इजाजत, मार्च 2019 में दुनिया के कई देशों ने लगाया था बैन। महंगाई का एक और वार, एक महीने में चौथी बार एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 25 रुपये बढ़ी। $ के मुकाबले रुपए का भाव 8 पैसे गिरा, $1 की कीमत 73.55 रुपये। सेंसेक्स 749 और निफ्टी 232 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद। चौथे टेस्ट की तैयारी के लिए मैदान पर उतरे भारतीय खिलाड़ी, 4 मार्च से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट। विवियन रिचर्ड्स ने भारतीय पिचों के आलोचकों को लताड़ा, कहा पिच को लेकर विलाप गैर जरूरी। इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर जेम्स ट्रेडवेल का कबूलनामा, कहा अहमदाबाद की पिच में नहीं थी कोई कमी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर ब्रेड हॉग ने आर अश्विन का किया समर्थन, कहा अश्विन को वनडे टीम में शामिल करे टीम इंडिया। आईपीएल 2021 से पहले मैक्सवेल को याद आई दोस्ती, कहा आरसीबी में विराट से सीखने को बेताब। टॉम मूडी बने श्रीलंका के क्रिकेट डायरेक्टर, 3 साल में टीम को मजबूत बनाने का मिला जिम्मा। और हरभजन सिंह की नई फिल्म फ्रेंडशिप का ट्रेलर हुआ रिलीज, फैंस को पसंद आया हरभजन की फिल्म का ट्रेलर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा, खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब।